9.10 कह रहा है, जरा समझिएगा। लिखा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज द सिस्टम इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस, इग्नोर द थिकनेस ऑफ द लेंस। देखिए थिकनेस ऑफ द लेंस इग्नोर करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब यह हुआ जाकर के दूरी कहां से नापी जाती है, दूरी कहां से नापी जाती है। जब हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पढ़ाया था तो हमने कहा था भाई एक ये लेंस होता है, ठीक है, इस लेंस ने इसकी इमेज मैंने यहां बनाई, ठीक है, तो दूसरा लेंस अगर यहां पर रख दिया गया तो ये जो ऑब्जेक्ट था, ये जो इमेज थी, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। तो यानी कि इसकी थिकनेस को इग्नोर करना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये वाली जो दूरी होगी ना ये भी काउंट में आ जाएगी ना, इसको भी देखना पड़ेगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं थिकनेस आप इसकी इग्नोर कर दीजिए, और दूसरी बात इनके बीच का सेपरेशन इग्नोर कर दीजिए। माने इतना चिपक की वो रखे हैं कि वो एक जैसे लेंस लग रहे हैं। तो यहाँ दो लेंसेज हैं, पहली की फोकल लेंथ दी हुई है कॉन्वेक्स लेंस की 30 सेंटीमीटर, यानी जो गिवन है वो f1 दिया है प्लस का 30 सेंटीमीटर, और दूसरा कह रहे हैं कॉन्केव लेंस है 20 सेंटीमीटर, दूसरा कह रहे हैं कॉन्केव लेंस है 20 सेंटीमीटर। जरा समझने की कोशिश करिए, अगर मैं इसका न्यूमेरिकल ना लगाऊं तो आप जानते हैं जिसका पावर ज्यादा उस तरह बिहेव करेगा, जो जितना ताकतवर होगा उसी का दबदबा रहेगा। तो अब सिंपल सी बात है, जिसकी फोकल लेंथ कम होती है उसका पावर ज्यादा होता है। तो फोकल लेंथ है कानकेव की कम है, मैं साइंस से मतलब नहीं है, तो इसका पावर ज्यादा है, तो दबदबा जो होगा वो कानकेव का होगा, यानी कॉम्बिनेशन लेंस कानकेव की तरह बिहेव करेगा। समझ आई बात? नहीं, हम विदाउट न्यूमेरिकल डायरेक्ट आंसर की बात कर रहा हूं। अब कहने में फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, हमने मान लिया कि फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन जो है f है, हमने इसको मान लिया। तो हम जानते हैं कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वी नो दैट 1/f = 1/f1 + 1/f2। तो 1/f = 1/30 + 1/-20, यानी 1/f = 1/30 - 1/20। 30 और 20 का एलसीएम 60 है, 600 मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं तो 2 - 3, यानी कि 1/f = -1/60, f = -60 सेंटीमीटर। यानी पहली बात कॉम्बिनेशन जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ -60 सेंटीमीटर आई। Negative indicates that it will behave like a concave lens. It will behave like a concave lens. वो लिखा है लेंस, ठीक है। अब आपसे क्या कह रहा है, बस यही कह रहा है, यानी एक कॉन्केव लेंस है तो एक कन्वर्जिंग लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस। अगर आपसे पावर पूछ लेता तो पावर का फॉर्मूला P = F P1 + P2 होता है, यानी 1/f = 1/f1 + 1/f2 कर देंगे, लेकिन फोकल लेंथ आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसका हो जाएगा 30 से 100 से डिवाइड करोगे, उसको भी 100 से करोगे तो ये आपका मीटर में आ जाएगा, 100 से करोगे तो 3/10 मीटर आएगा, 2/10 मीटर, ठीक है। तो पावर होता है 1/f1 + 1/f2, तो 1/3/10 + 1/-2/10, यानी कि यहाँ पर 10/3 - 10/2 कैलकुलेट करोगे, जो भी आएगी डायोप्टर इसका मात्रक हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं आई? ये 9.10 हो गया, ठीक है।